क्या हर्षा की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल में अब जो बेड्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, 650 से बढ़ाकर उन्हें 750 कर दिया गया है और बताया जा रहा है करीब 80 बेड्स ऐसे हैं जिन पर अभी इस समय कोविड के मरीज भर्ती हैं। देखिए हर्षा चंदवानी की एक रिपोर्ट। एलएनजेपी के कोविड कैजुअल्टी में इस वक्त मौजूद हूं और जैसे जैसे देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में एलएनजेपी में ये बात साफ कही गई है कि 2/3 केसेस ओमाइक्रॉन के आ रहे हैं और 1/3 केसेस ही हैं जो कि डेल्टा के आ रहे हैं और लगातार अस्पतालों पे जो वर्कलोड है कोविड कैजुअल्टी में या वार्ड में वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त आपको तस्वीर दिखाऊं, ये कोविड कैजुअलिटी है एलएनजेपी की। यहाँ से पेशेंट 3 जगह भेजे जाते हैं, कोविड आईसीयू, कोविड वार्ड और एक रामलीला में जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है जो कि एलएनजेपी से अटैच है, वहाँ भेजे जाते हैं। ये जितने आप मरीज देख रहे हैं ये सारे के सारे कोविड सस्पेक्टेड और कोविड के मरीज हैं जिनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए गए हैं। डॉक्टर रितु सक्सेना इस वक्त हमारे साथ हैं। रितु मैम, किस तरह से मैनेज कर रही हैं, पहले वर्कलोड कितना कम था, वर्कलोड कितना बढ़ गया है, रोज़ाना कितने मरीज हैं जो लगातार पहुंच रहे हैं? एक्चुअली अभी कुछ हाल फिलहाल 3-4 दिन में ही काफ़ी रश बढ़ गया हमारे पास। अराउंड 70-80 पेशेंट्स हमारे पास एडमिशन के लिए आ रहे हैं, उनमें से कई पेशेंट होम आइसोलेशन के भी हैं जिनको हम घर पर भेज रहे हैं होम आइसोलेशन एडवाइस करके। पर ज़्यादातर पेशेंट अब जो आ रहे हैं हमारे पास वो माइल्ड ही आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर कुछ जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं या जो जिनके घर में कोई पेशेंट है ऐसे जिनको दिक्कत हो सकती है, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में ही रखा जाए। तो वी आर कीपिंग देम इन ईदर कोविड केयर सेंटर जो हमारा रामलीला मैदान का है या हॉस्पिटल में अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। एक और चीज़ है, अभी जिससे जैसे जो बेड दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर अस्पताल में अगर 50 से ज़्यादा बेड हैं तो 40% कोविड के लिए रिजर्व किए जाएँ, ऐसे में अगर एलएनजेपी की बात की जाए कितने बेड्स आपके यहाँ डेडिकेटेडली कोविड के लिए रिजर्व हैं? अभी हमारे पास 650 बेड्स हैं कोविड के डेडिकेटेड, लेकिन आज ही ऑर्डर जो आए हैं उसके हिसाब से हमारे 750 बेड्स हो जाएंगे डेडिकेटेड कोविड। बट अभी हमारे पास और भी बेड्स हैं, लाइक वी कैन एस्केलेट अप टू 2300 बेड्स। सो अभी एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ बेड्स। यानी कि बेड्स लगातार प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं मामलों को देखते हुए? डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा मॉनिटर कर रही है तो जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बन रही हैं। जो आपने बताया कि प्राइवेट में भी जिनके पास 50 से ज़्यादा बेड्स हैं उनको अपने बेड्स रिजर्व करने के लिए बोला है कोविड के, वो इसी में रखा है कि पेशेंट को इधर से उधर भागना ना पड़े। हर फैसिलिटी में जहाँ भी पेशेंट्स देखे जा रहे हैं वहाँ एक प्रोविजन होना चाहिए कि कोविड के लिए भी डेडिकेटेड उनके पास बेड्स हो। एक और चीज़ मैम, अगर बात करें डॉक्टर्स के संक्रमण की, हम लोग जिस कैजुअलिटी में मौजूद पे भी एक पीजी, एक इंटर्न, एक सिस्टर, एक नर्स, ये सभी कोविड पॉजिटिव अभी कोविड कैजुअलिटी में भी हैं। टोटल एलएनजेपी में कितने डॉक्टर्स हैं जो कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, उनके लिए व्यवस्था क्या की है आप? एक्चुअली अभी तक 7 हमारे पास डॉक्टर्स, जिनमें से 6 डॉक्टर्स और एक नर्स थी जो एडमिट हैं, उनमें से 3 लोग एडमिट हैं हमारे पास। जिनके घर में फैसिलिटी है वो घर में भी रह रहे हैं, पर जिनके पास, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे पीजी जो हैं होस्टलर्स हैं, तो उनके लिए हमारे स्पेशल वार्ड है जिसमें हमने उनको रखा गया है, सेपरेट रूम, सेपरेट वॉशरूम, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। उनके खाने पीने का भी हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पर लेकिन नंबर बढ़ रहा है। जैसे आज भी अभी 4 लोग हमारे पास जो अभी इस वक्त मौजूद हैं कैजुअलिटी के अंदर, जिनमें से 2 डॉक्टर्स हैं और 2 नर्सेज हैं, तो डेफिनेटली ये नंबर धीरे धीरे हेल्थ केयर वर्कर्स का बढ़ रहा है। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कैजुअलिटी में ऑलमोस्ट 12 से 14 मरीज मौजूद है। अगर हम बात करें वार्ड की, आईसीयू की, उसमें कितने कोविड के मरीज होंगे, उनकी वो वही होंगे जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है ओमाइक्रॉन की, जिनको जीनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट आ? देखिए अभी हम ओमाइक्रॉन या ऐसे डेल्टा अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोविड डेडिकेटेड बेड्स हैं। जो जो सस्पेक्ट या पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम अपने एडमिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी। तो हमारे पास अभी बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, अभी अराउंड 70-80 बेड्स हमारे ऑक्यूपाइड है, तो अभी हमारे पास स्कोप है काफ़ी जिसमें हम पेशेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। कैजुअलिटी में ये जो देख रहे हैं आप सेटअप, इसमें 25 बेडेड आईसीयू है, ये इसमें आईसीयू फैसिलिटीज़ हैं, तो ये 25 बेडेड है, लेकिन इसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली इसको भी हम बढ़ा सकते हैं।